हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दाऊद कुस्तर। आज हम जज करने वाले हैं बावक प्रोडक्शन की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है रमज़ान स्पेशल गरीब का रोज़ा। देखते हैं इस वीडियो को, चलो वीडियो शुरू करते हैं। इतनी देर हो गई है, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा, ऊपर से रोड्स भी सुनसान पड़ी हैं। ये आ तो रहा है एक रिक्शा। शुक्र है रिक्शा तो मिला। आधे घंटे से रोड पे खड़ा हूँ, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। कोई हड़ताल वगैरह है क्या? ऊपर से रोजा इतना लग रहा है। नहीं बाबू, हड़ताल तो नहीं है, रमजान शुरू हुआ है, शायद इसी वजह से सड़कें खाली हैं। बाकी आप बताएं आपको कहाँ छोड़ दूँ। अच्छा अच्छा, शायद इसी वजह से। चलो जल्दी से मुझे इकबाल टाउन छोड़ दो। हाँ भाई, कितने हुए? बहू आपके 180 बनते हैं, चलें आप 150 दे दें। अच्छा अच्छा, ओहो, मैंने तो एटीएम से पैसे नहीं निकलवाए। चलो रुको, मैं घर से ले आता हूँ। यार घर को तो ताला है, मेरे ख्याल में घर वाले कहीं गए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? अच्छा बहू, कोई बात नहीं, हो जाता है। और वैसे भी मैं इधर आता जाता रहता हूँ, मैं ले लूंगा। और रमजान का महीना है, आपका रोजा है, मुझे एहसास है। ठीक है, अब घर तो तुमने देख लिया है, यही घर है, जब मर्जी आकर ले लेना। बेचारा रिक्शे वाला, ये घर तो हमेशा ही बंद रहता है। मेरा घर तो इससे आगे है, इस मासूम रिक्शे वाले को क्या पता। चलो आज मेरी चलाकी की वजह से 150 तो बचे। ओहो, आज कितनी गर्मी है, एक तो रोजा लग रहा है और आज तो सवारी ही नहीं मिल रही। अगर किस्मत से एक सवारी मिल ही गई तो उसके पास भी कराया नहीं था, और ऊपर से बेगम ने। सुनिए, रमजान शुरू हो गया और घर में कुछ खाने को नहीं है, आज वापसी पे आते हुए राशन तो लेते आइएगा। मैंने तो राशन लेके जाना था लेकिन दिहाड़ी नहीं लगी। चलो अल्लाह मालिक है, आज तो 16 तारीख है, आज के दिन हसनैन भाई ने मेरे 700 रुपए देने थे। चलो जाके उनसे पैसे लेता हूँ और फिर राशन लेके घर चला जाऊंगा। मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैं तो इतनी जगहों पे गया हूँ और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने कहाँ देखा था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ गया? साजिद भाई, हसनैन भाई का तो बुला दें। हसनैन भाई? हसनैन भाई तो मुल्तान गए हुए हैं, वो घर तो नहीं है। अच्छा, मगर उन्होंने तो मुझे आज का टाइम दिया हुआ था, उन्होंने पैसे देने थे मेरे। देखो भाई, इस चीज का मुझे नहीं पता, तुम 2-3 दिन बाद चक्कर लगा लेना। अच्छा चले ठीक है भाईजान। या अल्लाह, अजीब ही मुश्किल आ गई है, आज कोई रोजगार ही नहीं लगा, और जहां से पैसे मिलने की उम्मीद थी वहां से भी पैसे नहीं मिले। मैंने राशन लेके घर जाना है, अब तू ही कोई वसीला बना दे।
हेलो हेलो, ये मेरा मोबाइल है जिससे तुम बात कर रहे हो। कौन हो तुम? बाबूजी, बाबूजी आपका मोबाइल मेरे रिक्शे में रह गया, मैं रिक्शे वाला बात कर रहा हूँ। रिक्शे वाला, शुक्र है। अच्छा तुमने मेरा घर तो देखा हुआ है, मेरे घर वाली रोड पे ही आ जाओ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। जी जी, मैं अभी आया। शुक्र है मोबाइल तुम्हारे रिक्शे में रह गया था और तुम्हें मिल गया, वरना मैं तो परेशान हो गया था कि पता नहीं मैं किधर फेंक बैठा हूँ। जी जी बाबू, परेशानी तो होती है, आखिर इतना महंगा मोबाइल है और आपके पास तो कोई सवारी भी नहीं मिली, खुदा ना खास्ता कोई और उठा लेता तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, किसी और के ईमान का क्या पता, और आफरीन है तुम्हारी ईमानदारी की कि तुम देने चले आए। जी बाबू, मेरा जमीर कभी गवारा ना करता कि मैं किसी को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाऊँ, और ये आपकी अमानत ही मैंने आप तक पहुँचा दी। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी। खैर ये लो किराया तुम्हारा। 1000 रुपया? बहू मेरे पास खुले तो नहीं है। मैंने तुमसे खुले मांगे तो नहीं है, ये तुम रख लो, यूं समझो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जी ठीक है बहू, बहुत शुक्रिया। कमाल है। और वैसे भी मैं इधर आता जाता रहता हूँ, मैं ले लूंगा, और रमजान का महीना है, आपका रोजा है, मुझे एहसास है। जी बहू, मेरा जमीर कभी गवारा ना करता कि मैं किसी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाऊं, और ये आपकी अमानत ही मैंने आप तक पहुंचा दी। हैरत है, गरीब होने के बावजूद भी वो कितना ईमानदार है कि हजारों की चीज बगैर बेईमानी के अमानत समझ के वापिस कर दी, और मैं चंद रुपयों के पीछे रमजान में झूठ बोल बैठा। अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेशक वो बाबरकत ज़ात ही वसीला बनाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।